everyone. My name is Thavna and welcome back to Bhavna's Wonderland. So thank you so much for so many best wishes. आप लोगों का बहुत बहुत आभार. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल फैमिली लाइक यू ऑल. और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान मेरी कौन सी बुक लिस्ट थी, मैंने कौन कौन से बुक्स यूज किए जो कि मैंने प्री में भी और मेंस में भी यूज किए. ठीक है, तो ये कंबाइंड बुक लिस्ट होगी. और मैं अगर बता दूं तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे बुक्स में एक्सपेरिमेंट किए हैं. अगर मैं आपको मेरे सारे बुक्स दिखा दूं तो आप डर जाओगे, क्योंकि मैं इतने सारे बुक्स मैंने ट्राई किए हैं और उसके बाद जिन बुक्स पे मैं स्ट्रिक रही वो इतने ही बुक्स थे जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की बुक लिस्ट पर. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने राकेश यादव क्लास नोट्स के बुक उठाए थे. इससे मैंने सारी थ्योरीज की और मतलब बिल्कुल अच्छे से इसको बनाया, इसके कॉन्सेप्ट सीखे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके बेस्ट अप्रोचेस दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैंने एक बार बेसिक से किया हुआ था तो मुझे ये थोड़े बहुत समझ में आने लगे थे. और जो समझ नहीं आता था वो थोड़े YouTube वगैरह से सर्च करके देख लेती थी. तो मैंने ये बुक को बहुत ही अच्छे से 2 से 4 बार लगाया प्रॉपर. ओके, पूरी की पूरी पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कंटेंट है इसमें. ऐसा नहीं है कि कंटेंट कम है, लेकिन आप कर सकते हैं 1 से 2 महीने में इस पूरी बुक को आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से. कोई उससे पहले भी कर सकते हैं अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये पहली बुक हो गई. दूसरी बुक है राकेश यादव की 9700+. तो ये बिल्कुल मोटी सी हैवी सी बुक है, जो कि पहले 7300+ थी और 9700+ हो गई है. तो देखिए, ये मैंने प्री से कुछ महीने पहले तक लगाया था और बहुत ही अच्छे से इसको लगाया है मैंने बार बार. बट जब प्री आ गया था तब मुझे पता नहीं सबने कहने लगे कि मतलब TCS के न्यू पैटर्न, और ये बुक अपडेट नहीं हुई थी. इसमें 2018 तक के बुक्स क्वेश्चंस थे, 2019 के नहीं थे, MTS वगैरह के भी नहीं थे. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे रिसेंट TCS के बुक खरीद लेनी चाहिए. मेरे मेंटर्स ने भी यही मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने रिसेंट बुक के लिए खरीदा था. तो मैंने ये पिनकल की मैथ्स की बुक खरीदी थी और इसको पता नहीं है मैंने कितनी बार लगाया है. मैंने पूरी प्री के स्टार्टिंग से लेकर के मतलब मेंस तक मैंने इसको बिल्कुल बार 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 लगाया है. पहले इसके ऑनलाइन PDF मुझे मिली थी, उससे मैंने लगाया. उसके बाद मैंने बुक लिया, फिर बुक मैंने बाद में लिया था, बट मैंने ऑनलाइन PDF से बहुत बार लगाया है. तो ये बुक बहुत अच्छी है. अगर आप राकेश यादव बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो वो मैंने पहले लिया था, क्योंकि तभी ये बुक नहीं थी. आज के जो टाइम है, आपको TCS का क्वेश्चंस लगाने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब TCS जो वेंडर आया है तो ये यही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है. तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस 26-27 के क्वेश्चंस से ज्यादा 2018 से 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस देने की जरूरत है. तो ये बुक आप लगाइए, दैट इज मोर देन एनफ. ओके, तो तीसरी जो बुक मैंने की थी वो थी राकेश यादव एडवांस की बुक. ये है राकेश यादव एडवांस की बुक. तो ये बुक मैंने पूरी नहीं की है, इस बुक से मैंने सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन किया, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी कोचिंग में भी नहीं हुई थी और मुझे मतलब ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता था और मैं कहीं से मुझे पता भी नहीं था कहाँ से करना है. तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी. इसमें थ्योरम्स दिए हुए हैं, उसके साथ ही उस थ्योरम्स पे बेस्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो उससे आपको क्या है, आप पूरी ज्योमेट्री अच्छे से सीख सकते हो. बहुत सारे थ्योरम्स मैंने इससे सीखे, मतलब मैंने ज्योमेट्री कहीं से सीखी है तो मैंने इसी बुक से सीखी है और उसके बाद एक्सरसाइजेस किए. ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे ज्योमेट्री पर. सो इससे मैंने सिर्फ ज्योमेट्री ही की. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा मैथ का बुक लिस्ट खत्म. इतना ही मैंने किया, मेनली राकेश यादव क्लास नोट्स और पिनकल की बुक. ये दो बुक पे मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था और बहुत ज्यादा इस पे किया था. और आपको भी बस ये दो बुक पे ही आप स्टिक हो सकते हैं. अगर ज्योमेट्री के लिए आपको करना है तो ज्योमेट्री के लिए ऑनलाइन वीडियोस पे भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी इसीलिए मैंने बुक्स लिए और मुझे फायदा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया. अगर आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब हम आते हैं रीजनिंग की बुक पर.
रीजनिंग के लिए पिनेकल की मैंने बुक ली है और इसको मैंने बार बार सॉल्व किया है, तो रीजनिंग के लिए बस यही पिनेकल की बुक ही है, इसको बार बार लगाइए और बहुत जरूरी है ये बुक लगाना, ठीक है? तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही। अब हम आते हैं जीएस सेक्शन पर। तो जीएस सेक्शन के लिए मैंने ये जो बाइबल होती है लूसेंट, ये जो सबको ही यूज करते हैं, ये मैंने भी की है। लूसेंट मैंने बार बार पढ़ी, बार बार इसको याद किया, पूरी थ्योरी इसी से की है मैंने, और यही हो गया ये थ्योरी के लिए। उसके बाद हो गया प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो प्रैक्टिस मैं घटना चक्र से मैंने किया था, ये वाली पीवाईक्यू की बुक है घटना चक्र, तो इससे मैंने बार बार किया, तो ये हिंदी में आती है तो मैंने हिंदी में ही किया था, तो हिंदी के लिए बेस्ट थी। आप इंग्लिश में अगर चाहे तो आप पिनेकल की ले सकते हैं या फिर किरट की ले सकते हैं, ये दो बुक आप ले सकते हैं। और ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बना बना करके यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस गिवन रहते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं ये एक्सप्लेनेशंस। तो ये बुक मैंने की, बहुत ही अच्छे से की, और मोस्टली आप देख भी सकते हो कि मैंने की है ऐसे, यहाँ पर पूरे स्टिकी नोट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो मैंने किया है ऐसे पेपर फ्लैग्स वगैरह, तो इसे अच्छे से किया है मैंने। और लूसेंट बुक, ये दो बुक मैंने अच्छे से की थी। अब आगे करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स तो जो मैंने स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग सर से की, साथ ही साथ मैंने ईयरली मैगजीन ली थी लास्ट के टाइम पे, ये जो है स्पीडी की है, ये भी हिंदी में ही आती है और शायद इंग्लिश में भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, लेकिन ये मैंने हिंदी में ली थी और ये बुक बहुत अच्छी है। लास्ट के टाइम पे जब अचानक से पता लगा कि इधर उधर से आने लगी, तो मैंने इसी से ही सारे अच्छे से की थी, किए हुए थे पूरे हाईलाइट वगैरह करके पढ़ाई की इससे मैंने, और बहुत ही ज्यादा अच्छा से अच्छे से दिया हुआ था, बहुत बहुत ही अच्छा बुक है ये, ठीक है? इसको आप कर लोगे तो लास्ट के टाइम पे रिविजन के लिए ये बेस्ट होती है, पहले आप उससे करो लेकिन लास्ट के टाइम पे ये अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाता है हमारा जीएस पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं इंग्लिश पर, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले ग्रामर के लिए हम नीतू सिंह पढ़ेंगे, नीतू सिंह बेस्ट बुक होती है, इसके बिना पता नहीं कौन ही पढ़ता होगा, ये तो बहुत ही अच्छी बुक है और सभी पढ़ते हैं इसको, तो नीतू सिंह की बुक मैंने भी की थी और बहुत हेल्पफुल थी मेरे लिए, ठीक है? और दूसरी बुक हो गई ब्लैक बुक, ये हो गया वोकैब्स के लिए, ये वोकैब्स के लिए मैंने पूरी की है, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है इंग्लिश की, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है, तो कैसे पढ़ना है इसे, कैसे क्या मतलब याद कैसे करना है, वो सबके लिए दूसरी वीडियो है, ठीक है? तो ये हो गई इंग्लिश के लिए वोकैब्स के लिए। और ये हो गई जो हम ग्रामर याद करेंगे, तो अब उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है कॉमन एरर्स वगैरह फिलर्स वगैरह के लिए, तो ये बुक मैंने बहुत अच्छे से की थी, ये जो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक बाय अशोक कुमार सिंह सर, तो ये बुक मैंने बहुत ही सही तरीके से की है, बहुत पूरी बुक मैंने की है, और मतलब इसका ग्रामर पोर्शन भी किया था और इसका इसके पीछे का जितना भी प्रैक्टिस सेट्स हैं सारे के सारे किए, देखिए आपको टिक दिख सकता है, सारे के सारे मैंने किए हुए थे, और इससे बहुत हेल्प होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आप रूल्स को याद करते हैं, इससे आपको क्या होता है कि रूल्स अप्लाई करने आ जाएंगे और एग्जाम में फिर क्वेश्चंस बहुत कम गलत होते हैं, इजी वाले फिर गलत नहीं होंगे। तो ये हो गई मेरी इंग्लिश की बुक लिस्ट, और यहीं पर होती है मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट खत्म, ठीक है? तो इतनी ही बुक लिस्ट थी जो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने की, और मुझे बहुत हेल्प हुआ है ये बुक में, और इतनी ही बुक करने की जरूरत भी होती है, इससे ज्यादा बुक करने की जरूरत नहीं, इससे कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सारी बुक्स जो मैंने की है मैं बता रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों का एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, कोई बहुत कम बुक पढ़ के भी कर सकते हैं, कोई बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, सो प्लीज डोंट जज somebody ऑन दैट, ओके? तो आज के लिए इतना ही था, आज मैंने इतना ही शेयर किया, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।